सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कल चाहे हारे थे आज नई शुरुआत करो, नया सूरज है नया उम्मीद है, हर पल में जीत का नया इरादा करो। हर सुबह एक नया अवसर है कुछ पाने का, कुछ सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। बस हार न मानो और मुस्कुराते रहो, सोच सकारात्मक रखो, कर्म निरंतर करो, सफलता जरूर मिलेगी, हर पल खुश रहो। आज का पंचांग 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र 12:36 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 9:19 से 10:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:55 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। व्रत और त्योहार की बात करें तो आज है भरनी श्राद्ध। वृश्चिक राशि 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार, आज आप बहुत सृजनात्मक अनुभव करेंगे। खूबसूरती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खूबसूरत चीज बनाना चाहेंगे। दिन कलाकारों के लिए विशेष अच्छा है, हालांकि आज शुरू किए हुए कार्यों को आज ही पूरा कर लें, क्योंकि अचानक आप विकर्षित सा अनुभव करने लगेंगे। यह भावना काफी सामान्य है, लेकिन आप इसके कारण बिना बात निराश सभी अनुभव कर सकती हैं। किसी नजदीकी व्यक्ति की बीमारी के कारण आप अपने सामाजिक जीवन का अंत कर सकते हैं। यह समय शांत रहने और आत्मनिरीक्षण करने का है। आध्यात्मिकता प्रवचन या योग ध्यान से लाभ लें, विनाशकारी विचारों से बचें। अपनी देखभाल आज महत्वपूर्ण है। अपने अप्रत्याशित व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें और अपनी पसंद के काम करें। आज किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से बचें, खासकर नौकरी और करियर के बारे में। बातचीत में थोड़ी सी विनम्रता शामिल करें, आपको फायदा होगा। याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। घर पर तनाव का माहौल आपको नाराज कर सकता है, इसे दबाना आपकी शारीरिक समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकता है। शारीरिक गतिविधियों को दबाकर इससे निजात पाएं, खराब हालात से दूर रहना ही बेहतर है। आज अब घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। आपके प्रिय के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। साथ ही अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी तकलीफ महसूस होगी। राजनीति हो या फिर कोई विवाद, चीजें आपके पक्ष में झुकी नजर आएगी। आज जितना हो सके लोगों से दूर रहें। लोगों को वक्त देने से बेहतर है अपने आप को वक्त दें। जीवन साथी की तलाश सेहत का असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है, लेकिन आप किसी तरह चीजें संभालने में कामयाब भी रहेंगे। अपने सामाजिक अथवा राजनीतिक संपर्कों को और अधिक मजबूत रखें, यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित प्रस्ताव आएगा। आप अपने सामाजिक तथा व्यावसायिक दायित्वों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखेंगे। कुछ बातों में निर्णय तुरंत लेने की जरूरत है। वर्तमान में मिल रहे अवसरों पर ध्यान दें, एक बार खोया अवसर दोबारा मिलना कठिन है। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय उस व्यक्ति के मन में आपके लिए गलत छवि ना बने, इस बात का ध्यान रखें। किसी बात के लिए आपका बड़ा विरोध हो सकता है। रिलेशनशिप या विवाह से संबंधित निर्णय अपेक्षा के अनुसार ना होने से निराशा होगी। कंधे में जकड़न भी हो सकती है, ख्याल रखें। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होगी, आपके कार्य की प्रशंसा होगी, योजनाएं सफल होगी और धन की आवक अच्छी बनी रहेगी। दोपहर में धार्मिक और मांगलिक उत्सवों में शामिल होने का मौका मिलेगा। रहस्यमय विद्यार्थियों को जानने की इच्छा भी रहेगी। सावधानियां, व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ सोशल गतिविधियों पर भी ध्यान दें। आपकी लापरवाही से दोस्त नाराज हो सकते हैं।
अपने आमदनी और खर्चों में भी उचित सामंजस्य बनाकर रखें, आवाजाही से परहेज रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आप जितना समय अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, अपने व्यस्त शेड्यूल तथा कई बाहरी कारणों के चलते उतना समय नहीं दे पाएंगे। आपका अधिकतर समय अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी करने में ही निकल जाएगा। अपनी भावनाएं अपने पार्टनर को बताना ना भूलें और आप पाएंगे कि वह आपकी सोच से भी कहीं अधिक समझदार है। यह वक्त रोमांस और यौन सुख से भरपूर है और आप जीवन के इस सुखद चरण का पूरा मजा ले रहे हैं। अपने साथी के साथ बिताने वाले इन पलों को संजो के रखें ताकि आपका बंधन और भी मजबूत बने। व्यापार में हुआ घाटा कुछ समय तक आपको परेशान कर सकता है। कार्यस्थल के लोगों के साथ समय बिताएं और विचारों को बांटें। आज अपने दोस्त बनाना चाहते हैं जो आपकी मदद करें। हमेशा स्पष्ट बात करें और याद रखें किसी को ठेस न पहुंचे। प्रेम के बंधन में बंधने से पहले अच्छे से जान ले कि क्या आप सच में उससे प्यार करते हैं। इन मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं। बात करते हैं करियर की। परिवर्तन की हवाएं आज आपके काम और सपनों को पूरा परिवर्तन की हवाएं आज आपके काम और सपनों को नया मतलब देगी। अभिदान और गैर लाभ कार्य भी आपको आकर्षित कर सकती हैं और आप किसी रहस्यमय यात्रा पर जाएंगे। विदेशी निवेश या व्यापार की भी संभावना है। धीरज और व्यवहार कुशलता दो ऐसे गुण हैं जिन पर हमेशा अड़िग रहें। आज व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपना ध्यान अपने मित्रों के साथ घूमने और अपने शौक पूरा करने में केंद्रित करें। कार्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। नए दोस्त या दुश्मन आज आपकी आसपास से जो आपकी मदद कर सकते हैं या आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आपके नम्र और कुशल व्यवहार से आपको लाभ होगा। आपको विदेशी भूमि में स्थापित प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ कार्य करने के लिए प्रस्ताव मिल सकता है और आपके विदेश में बसने का आपका सपना सच हो सकता है। हालांकि दस्तावेजों से जुड़े कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन मुद्दों का समय रहते हल हो जाएगा और जब आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसे आप चाहते थे तो धन की वर्षा भी आप पर होने लगेगी। व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। पब्लिकेशन के कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। घरेलू परेशानियों को व्यापार पर हावी न होने दें। अपने काम पूरी शिद्दत से करें, इससे उपलब्धियां मिल सकती है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आप धन उधार लेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी आप आसानी से पूरा कर सकेंगे, लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में व्यतीत करेंगे। आपका जीवन साथी यदि आपसे नाराज चल रही है तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। आपकी कोई पुरानी समस्या इस समय उभर भी सकती है, ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। आपको संक्रमणों की काफी आशंका है, इसलिए अब यह बहुत जरूरी है कि आप अपने छोटे मोटे दैनिक प्रयोग की चीजें जैसे साबुन तौलिया अलग ही रखें। यहाँ तक कि एक ही कंघी का प्रयोग करने से भी संक्रमण हो सकता है। आपको अपनी सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए विटामिन सप्लीमेंट लेने चाहिए। संक्रमणों की आशंका से बचने के लिए अपने घर में बहुत अच्छे से साफ सफाई रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को काले उड़द की दाल दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।